हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अभी मैं शॉप में आई थी तो मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ। शॉप में आके साफ सफाई करके जब बैठती हूँ ना तो कमेंट्स ही रीड करने लग जाती हूँ। तो अभी कमेंट्स रीड कर रही थी तो मैंने सोचा कि इतने सारे कमेंट्स, सिमिलर से कमेंट्स जो हैं, क्वेश्चंस हैं आपके, वो इकट्ठे हो गए हैं। तो सबका रिप्लाई देने से अच्छा है क्यों मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो आपको भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यूट्यूब से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हैं। तो कुछ थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, उनके आंसर्स देने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निक्की सोनू व्लॉग्स की तरफ से। तो आपके नाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका चैनल है, ब्लॉग चैनल है, या आप शुरू करना चाहते हैं ब्लॉग चैनल। तो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि आप एडिटिंग कैसे करते हो। तो एडिटिंग मैं कैसे करती हूँ, मैं दो तीन एप्लीकेशंस हैं, एक VN एप्लीकेशंस हैं, काइन मास्टर है, इनशॉट है, ये दो तीन एप्लीकेशंस हैं जिनका मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ। और कुछ दो एप्लीकेशंस हैं, पिक्सल लैब, पिक्स आर्ट, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनसे मैं थंबनेल बनाती हूँ। तो ये दो तीन एप्लीकेशंस हैं जिनका मैं यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी एडिटर नहीं हूँ, अभी सीख रही हूँ, बट प्रैक्टिस करते करते एक दिन परफेक्ट हो जाऊँगी। तो अभी मैं सीख रही हूँ। तो आप अगर करना चाहते हैं एडिटिंग तो इन ऐप्स में से कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड, आप वहाँ से भी सीख सकते हो कि एडिटिंग कैसे करनी है। तो ऐसे एडिटिंग करती हूँ मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हुडा फातिमा की तरफ से, मैम टाइम कैसे मैनेज करते हो? तो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा होता है कि टाइम आपका कैसे मैनेज होता है, शॉप आपकी है, मतलब आप एक फीमेल हो। मेल्स से कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो सुबह उठे, नहाए धोए, शॉप में आ गए। अगर कोई मेल शॉपकीपर है उनको मैं ये बात कह रही हूँ, आप भी ये चीज़ मानते होंगे ना कि आप उठे, मतलब इतना ज़्यादा आपको काम नहीं होता, काम का प्रेशर नहीं होता है, बच्चों का प्रेशर नहीं होता है, आपने आके शॉप ओपन करनी है। बट एक फ़ीमेल को बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं क्योंकि सुबह सुबह उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद घर के काम भी करने होते हैं, शॉप पे भी आना होता है, लंच डिनर की भी चिंता होती है। तो इस वजह से जो टाइम मैनेजमेंट होती है ना वो एक मतलब सीधा सा रूल है, सुबह जल्दी उठना शुरू हो जाओ, आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। और जैसे आप कहते हो ना मुझे इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम मिलता नहीं, टाइम को निकालना पड़ता है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा कोई नई चीज़ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो टाइम मैनेज कैसे होता है, सुबह सुबह जल्दी उठो, सारा दिन अपने आप मैनेज हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकली करके देखो ना, आपको सच में रिजल्ट्स पता लगेंगे और आपका ना जो चिंता होती है, प्रेशर होता है दिमाग पे, वो भी कम होगा। जैसे मैं कई बार लेट हो जाती हूँ ना उठने में, तो ऐसा होता है कि सारा दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग पे प्रेशर रहता है, टेंशन रहती है। और अगर सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारा दिन सॉर्टेड रहता है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज का, और ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा आते हैं। ये हैंगर कहाँ से बाय किया? तो ये ना बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि ये जो बिंदी वाला हैंगर है ना, ये बिंदियाँ हैं और पीछे हेयर एसेसरी है, पीछे हेयर एसेसरी का हैंगर है, ये आपने कहाँ से बाय किया है? तो ये एक मोबाइल एसेसरी शॉप होती है ना, कोई भी मोबाइल एसेसरी जहाँ होलसेल शॉप होती है ना, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, वहाँ से मिल जाता है। और ये जब मैंने लिया था ना, मुझे ये दोनों हैंगर ना 500-600 में आ गए थे और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं सच में। मतलब दुकान को अट्रैक्टिव भी बनाते हैं और सुंदर लगती है दुकान, और साथ के साथ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहते हैं। इस पर काफ़ी सामान मतलब लटकाया जा सकता है डिस्प्ले करने के लिए। तो ये हैंगर आप मोबाइल एसेसरी शॉप से ले सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एरिया में कितनी कॉस्मेटिक शॉप्स हैं? तो मैं अगर बताऊँ ना, मेरी जहाँ शॉप है ना, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे ना कम से कम बता रही हूँ मैं, 15-16 शॉप्स होंगी ऑलमोस्ट, मतलब इतनी तो होंगी ही होंगी मेरे एरिया में। अब सोच लो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही शॉप है, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं और कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। कोई शॉप है जिन्होंने कॉस्मेटिक आइटम रखा है, साथ में सूट रखे हैं, कपड़े रखे हैं, कुछ शॉप्स हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक आइटम भी रखी हुई है, साथ में बुटीक भी खोल रखा है, कुछ हैं कॉस्मेटिक के साथ पार्लर भी हैं,
कुछ शॉप्स हैं, जैसे मेरी शॉप है कॉस्मेटिक के साथ अंडरगारमेंट्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ऐड किया हुआ है अलग से भी। तो इस तरह से बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी अनगिनत शॉप मान लो, मतलब मैंने तो काउंट नहीं किया है, मैं एक अंदाजे से बता रही हूँ आपको 15-16 शॉप्स, बट बहुत सारी शॉप्स हैं मेरे एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरगारमेंट में सभी साइजेस के अलग अलग बॉक्सेस लेने पड़ते हैं क्या? तो अंडरगारमेंट्स ना खरीदने के लिए बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने अगर अंडरगारमेंट्स खरीदने हैं ना, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले नंबर्स डिसाइड कीजिए कि कौन कौन से नंबर आपने रखने हैं। मतलब एक तो 28 नंबर, 30, 32, 34, 36, 38, 40, मतलब दो दो स्टेप आगे, मतलब जो टू का टेबल होता है इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाओ आप। तो इस तरह से नंबर्स होते हैं अंडरगारमेंट्स में। तो आपको लेना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका 30 नंबर के आपने अंडरगारमेंट्स लेने हैं, तो उसमें कई सारे आर्टिकल्स होते हैं। एक तो कॉटन ब्रा होती है, साथ में फोम होती है पैडेड वाली, साथ में स्पोर्ट्स होती है। तो इनके ना 6-6 पीस के बॉक्सेस आते हैं। जैसे आपने कॉटन में लेनी है तो अलग अलग कलर के ना 6 उसमें होंगे, एक बॉक्स के अंदर 6 होंगे। उसके बाद आपने पैडेड लेनी है तो अलग अलग कलर के, या एक सिमिलर कलर का भी आप ले सकते हो उसका एक बॉक्स। मतलब अगर आप 5-6 बॉक्स लेते हो ना, तो उसमें आपकी वैरायटी बन जाएगी। जैसे 30 नंबर के 5-6 बॉक्स ले लिए, 32 नंबर के 5-6 बॉक्स ले लिए अलग अलग आर्टिकल्स के, और ऐसे मतलब वैरायटी आप बना सकते हो हर एक साइज में, हर एक साइज में एक एक बॉक्स अलग अलग आर्टिकल के। आर्टिकल मींस कि जैसे कॉटन ब्रा हो गई, उसका एक डब्बा ले लिया, एक डब्बा आपने पैडेड ब्रा का ले लिया, एक डब्बा आपने स्पोर्ट्स ब्रा का ले लिया, एक डब्बा आपने स्पोर्ट्स पैडेड का ले लिया। और आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़े साइजेस में पैडेड ब्रा मत लिया करो। कॉटन की ब्रा बी कप, सी कप, डी कप ये सबसे ज़्यादा चलती है, तो ये वाली ब्रा आप बड़े साइजेस में रखा करो। और पैडेड ब्रा जो होती है वो छोटे साइजेस में, जैसे 28, 30, 32, 34, 36, इसमें आप पैडेड रख सकते हो। तो आज की जो ये वीडियो थी, यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिल गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर किया करो, अपनी राय ज़रूर दिया करो कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, अच्छी लगी तो भी बताया करो, नहीं अच्छी लगी तो भी बताया करो। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई आईडी। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, बाय गाइज़।